Hello friends, how are you? Welcome to the Japan Study Center. Today we are going to see the chapter of geography. And what is our topic today? Desert soil. Desert soil is also important. The desert soil occurred in the western Rajasthan. It's a Saurashtra and Kutch is a western Haryana and southern Punjab. That is the most important area here. Thus, occurrence of this soil is related to their desert and semi-desertic condition, and is defined by the absence of water availability for 6 months. The soil is sandy to the gravelly with a poor organic matter and low humus content. Frequently rainfall, low moisture and long drought is the season. The soil is exhibited to the poorly developed horizon and plants are widely spaced. Is a chemical weathering is limited. The color of the soil is either red or light brown. Generally, this soil is a lack of basic requirement for agriculture. But when the water is available, variety of crop like cotton, rice, beet, etc. can be grow with the proper doses of fertilizer. उसके पश्चात हमारे समक्ष है मरुस्थलीय मृदा। देखिए मरुस्थलीय मृदा का भी अपना विशेष स्थान यहाँ पर बनता है। कहते हैं मरुस्थलीय मृदाएं पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिण पंजाब में पाई जाती है। तो मरुस्थलीय मृदा भी अपनी जगह पर अपना विशेष स्थान रखता है और इन क्षेत्रों में इस मृदा के पाए जाने का सीधा संबंध वहाँ पर जो है विद्यमान मरुस्थलीय एवं आर्द्र मरुस्थलों की दशाओं का होना है। तो 6 महीने तक पानी की अनुपलब्धता भी इसका कारण बनता है। जैव पदार्थों की कमी सहित जो है बुआई एवं पथरीली मृदा हुमस का कम होना और वर्षाएं कभी कभी होना इसका भी सबसे बड़ा यहाँ पर कारण बन जाता है। अंतराय कमी और लंबी शुष्क ऋतु जो होती है मरुस्थलीय मृदा की विशेषता होती है। यानी यहाँ पर लंबी शुष्क और जो है ऋतुओं का मरुस्थलीय मृदाओं की विशेष रहती है। यहाँ पर कहते ऋतु बंद होती नहीं वर्षा, जिसके कारण ये क्षेत्र जो है बंजर बन जाती है। यानी ये जो है काफ़ी जो है लोगों के लिए समस्या उत्पन्न कर देती है। इस मृदा में जसंतरों का विकास कम हो गया है और इस मृदा के क्षेत्र में पौधे एक दूसरे से बहुत दूर पर मिलते हैं। यानी पौधे भी आपको यहाँ पर बहुत ही कम नज़र आएंगे और जो पौधे यहाँ नज़र भी आएंगे उनकी अपनी एक विशेषता होती है, क्योंकि इनके पत्ते जो होते हैं कांटेदार रूप में जो है परिवर्तित हो जाती है। यानी पत्ते जो होते हैं कांटेदार रूप में ये परिवर्तित हो जाती है और मैक्सिमम यहाँ पर जो है झाड़ियाँ वाले ही पौधे मिलते हैं, चाहे कैक्टस हो जाए चाहे बबूल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है कम पानी सोखने वाले और लंबे जड़ वाले पेड़ पौधे ही नज़र आते हैं। तो ये मिट्टी की अपनी एक विशेषता होती है जो कि बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं जीव जंतु भी वही पाए जाते हैं जो कि बहुत ही कम जिनको वाटर की आवश्यकता होती है और जिस मृदा के क्षेत्र में पौधे एक दूसरे से बहुत दूर पर मिलते हैं, तो ये भी इसकी एक विशेषता होती है। कहते हैं रासायनिक अपक्ष सीमित होती है और मृदा का जो है रंग लाल या हल्का भूरा नज़र जरूर आता है। सामान्यतः इस मृदा में कृषि के लिए आधारभूत आवश्यकताएं की कमी है, परंतु जब पानी उपलब्ध होता है तो इसे विविध प्रकार की फसलें जैसे कपास, चावल, गेहूं आदि उर्वरक की उपयुक्त मात्रा में देकर पैदा की जा सकती है। तो देखा जाए इस मिट्टी की भी अपनी एक विशेषता है। कहते हैं ये जो है मृदा जो है रंग लाल एवं हल्का भूरा जरूर दिखाई देता है और सामान्यतः इस मृदा में कृषि के लिए आधारभूत आवश्यकताओं की कमी जरूर रहती है, परंतु जब पानी उपलब्ध होते हैं तो इसे अधिक विविध प्रकार की फसलें जैसे कि कपास, चावल, गेहूं आदि उर्वरक की उपयुक्त मात्रा देकर पैदा की जा सकती है। तो इस मिट्टी की जो है विशेषता को भी बढ़ा देती है।